हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक्स। यहाँ पर आज हम बात करने वाले बोडल केमिकल कंपनी की। यहाँ पर जो है मार्केट में क्वार्टरली 2 रिजल्ट आ चुके हैं। सो उस रिजल्ट्स के आने के बाद आपको इस शेयर के अंदर प्राइस के अंदर किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, एज वेल एज आपको इस कंपनी में निवेश करना है या नहीं करना है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को इस डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स है, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो है कंपनी के पिछले साल थे 116 मिलियन रुपीज़, जो कि इस बार जो है बढ़कर हो चुके हैं 252 मिलियन रुपीज़। अगर मैं क्वार्टरली बेसिस के हिसाब से यहाँ पर बात करूँ तो जो एस्टिमेशन यहाँ पर मार्केट में आया था वो होना चाहिए था नियरली 320 मिलियन रुपीज़ का। अगर उसके मुकाबले देखें तो कंपनी ने यहाँ पर सिर्फ 298 मिलियन का ही यहाँ पर जो है कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। तो थोड़ा बहुत जो एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग इतना सारा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, तो थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड या फिर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जो है थोड़ा बहुत यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग इस शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। मार्केट कैप की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो 1,521.21 करोड़ का मार्केट कैप है, और डिविडेंड यील्ड निकल कर आता है इस शेयर का 0.64%। फेस वैल्यू शेयर की 2 रुपीज़ और बीटा इसका 1.13, जो कि आपको बता दें कि अगर इंडाइसेस के अंदर अगर आपको 1% का मोमेंटम देखने को मिलता है तो इस शेयर के अंदर भी आपको ऑन एन एवरेज बेसिस पर 1.13% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। करंटली अगर हम शेयर को उसके इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग यहाँ पर मैं देखने को मिला 32.21, और इस शेयर का जो प्राइस टू अर्निंग है वो है 15.05। सो अभी भी बहुत ही अच्छा सा प्राइस टू अर्निंग पे शेयर जो है दैट इज बोडल केमिकल का वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर इस शेयर का 8.25, और बुक वैल्यू के हिसाब से भी देखें तो इतना सारा महंगा नहीं है ये शेयर, दैट इज 1.55 का इसका प्राइस टू बुक, और बुक वैल्यू निकल कर आती है दैट इज 80.37 रुपीज। कंपनी के यहाँ पर हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 18 as well as 19 के अंदर कंपनी का जो बिजनेस है बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉस्पेरिटी के साथ बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट में यहाँ पर देखने को मिला, दैट इज ड्यू टू द कोविड 2020 as well as 2021 के अंदर कंपनी के रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज उसमें यहाँ पर जो है हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। उसके कारण जो है जो अभी तक एस्टिमेशन यहाँ पर हमें मार्केट में यहाँ पर दिया जा रहा है उसके मुताबिक एक अच्छा सा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेट जो है यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ऑल दो अगर इस तरह के स्टेज के अंदर हम यहाँ पर शेयर का 5 ईयर हाई प्राइस भी रखते हैं तो वो है 193.75 रुपीज़। सो अभी भी अच्छे से पीक प्राइस से जो है ऑलमोस्ट 50-60 रुपीज़ जो है डिस्काउंटेड प्राइस पे अभी भी मार्केट में करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से देखने को मिल रहा है। कंपनी के जो मार्केट में एस्टिमेशन से उतने अच्छे ज़्यादा रिजल्ट नहीं आए, तो अभी भी अगर इस शेयर के अंदर थोड़ी बहुत यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिलती है दैट इज 105 या फिर 107 या फिर 108 के प्राइस बैंड के अंदर ये शेयर फिर से आता है तो मेरे हिसाब से आपको इस कंपनी में निवेश करने का सोचना चाहिए। सो होप करता हूँ कि आपको बोडल केमिकल कंपनी के यहाँ पर जो मार्केट में जो क्वार्टरली 2 रिजल्ट आए हैं वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गए होंगे, और उसके ऊपर आपको अपना क्या डिसीजन लेना है वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।